हरिओम प्रणाम हम अपने परिवार में रहते हैं अधिकतर लोगों के अपने परिवार के साथ ही संबंध ठीक नहीं है अपने परिवार में ही जो घर में दो चार पाँच सात लोग हैं किसी की पति पत्नी की नहीं बनती भाई भाई की नहीं बनती सास बहू की नहीं बनती देवरानी जेठानी की नहीं बनती जितने भी रिश्ते हैं बच्चों के साथ ही नहीं बनती बच्चों की माँ बाप के साथ नहीं बनती जितने भी रिश्ते हैं हमारे करीब के रिश्ते अगर वहाँ कुछ संबंध ठीक ठाक नहीं हैं तो समझ लीजिए एक टीवी ऑन है बहुत बड़ा एक शक्ति उधर खर्च हो रही है बेकार खर्च हो रही है फिर जब हम पड़ोस में निकलते हैं घर से बाहर तो पड़ोस में भी कुछ संबंध ठीक नहीं है दोस्तों के साथ ठीक नहीं है रिश्तेदारों के साथ संबंध ठीक नहीं है ग्राहक के साथ ठीक नहीं है मालिक के साथ ठीक नहीं है साथ में जो काम करते हैं उनके साथ भी संबंध ठीक नहीं है सब जगह कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं किसी के साथ बोलचाल नहीं है किसी के साथ बनती नहीं है किसी को देख के ही गुस्सा आता है किसी को देख के आंख नीवी कर लेते हैं किसी को देख के गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं अब जितने भी ये बाहर के संबंध हैं वो भी एक एक पंखा एक एक ट्यूब ऑन है ऐसा मान लीजिए उधर शक्ति बेकार में खर्च हो रही है और हमें मालूम ही नहीं कि हो रही है ये भी बात साथ में है अब ये जो बेकार बेखर्च शक्ति को हम खर्च कर रहे हैं जिसका कोई फायदा ही नहीं किसी काम ही नहीं आने वाली उधर से शक्ति को बचाना है उधर से शक्ति को बचाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा आज के लिए एक होमवर्क दूंगा जो आप घर जाके करेंगे आप एक कागज़ पेन ले लीजिए जितने लोगों के साथ संबंध ठीक नहीं है अपने परिवार से शुरू हो के पूरी दुनिया ढूंढ के देख लीजिए अगर किसी के साथ दस बीस साल पहले गड़बड़ हुई है और अब उससे कोई लेना देना नहीं है उसका भी नाम उसमें लिख लीजिए हर संबंध का वजन मान लीजिए दस किलो अगर बीस व्यक्तियों के साथ संबंध ठीक नहीं है तो हम अपने सिर पे 200 किलो वजन ढो के चल रहे हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हम 200 किलो वजन ढो के चल रहे हैं और अगर किसी व्यक्ति से 20 साल पहले कुछ हुआ अब भले उससे कुछ लेना देना नहीं उसका 10 किलो वजन 20 सालों से हम ढो रहे हैं और ये भी नहीं पता कि ढो रहे हैं वो पूरी लिस्ट बना लीजिए और अगर वो लिस्ट छोटी बने आपको लगे कि मैं तो धर्मपुत्र हूँ मेरी तो किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं है मैं तो बहुत अच्छा हूँ और लिस्ट छोटी सी एक तैयार कर लेते हैं तो समझ लेना आप अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हैं वो लिस्ट मैं नहीं देखूँगा आपकी लिस्ट है आप किसी को दिखाना भी मत तो अगर लिस्ट हमने किसी को दिखानी नहीं और वो छोटी भी है तो अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे लेना कि मैं अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हूँ उस लिस्ट में किन किन को शामिल करना है जिनके साथ संबंध ठीक नहीं उनका तो लिखना ही लिखना है कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ संबंध तो ठीक हैं देखने में अच्छा अच्छा है वो आते हैं उनको खूब नाश्ता कराते हैं खिलाते पिलाते हैं मीठी मीठी बातें करते हैं जब वो उठ के चला जाता है उसके बाहर जाने के बाद तुरंत आपस में बातें करते हैं ये बिल्कुल बेकार आदमी है सिर खा गया तो उनका नाम भी उसमें लिख लेना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम गलत मानते हैं उनको नहीं पता कि हम उनको गलत मानते हैं हमें तो पता है उनको तो नहीं पता उनके सामने तो हम हंसते हैं मीठा बोलते हैं मुस्कुराते हैं उनके नाम भी उस लिस्ट में लिख लेना लिस्ट छोटी हो, तो अपने आप को ऐसा बोल बोल लेना कि मैं ईमानदार इम अपनी लिस्ट को ईमानदारी से नहीं बनाया लिस्ट को ईमानदारी से बनाइए अगर अब वो लिस्ट तो तैयार हो गई एक एक व्यक्ति के साथ संबंध सुधारने हैं बहुत बढ़िया और कठिन काम है और दिलचस्प काम है अगर काम करोगे तो बहुत आनंद आएगा गारंटी से आएगा क्यों एक व्यक्ति के साथ संबंध ठीक करेंगे तो दस किलो वजन घटा तो आनंद कैसे नहीं आएगा बहुत दिलचस्प काम है एक एक व्यक्ति के साथ संबंध सुधारने हैं अब जब जिस काम को करने चलोगे तो एक और आफत आपके साथ आएगी आपको लगेगा कि सारी कमी सामने वाले में है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुधरने की जरूरत उसको है मुझे नहीं अगर ऐसा लग जाए तो अपने आप को एक और सर्टिफिकेट दे लेना कि सुधरने की जरूरत मुझको है उसको नहीं ये एक टेक्निक है जिसके ऊपर आप काम करेंगे नहीं तो आप यहीं रुक जाएंगे अगर ये दो बातों बातें आपको पहले नहीं बताई जाएंगी आपकी गाड़ी यहीं रुकने वाली है तुरंत मान लेना कि ये कुछ जो मेरे को बताया गया है ये पक्की बात है सुधरने की ज़रूरत मुझे है उसे नहीं ये दो फार्मूले लेके तैयारी कीजिए एक एक साथ संबंधों को सुधारिए संबंधों को सुधारते समय एक खास ध्यान रखना माफी मांगने की जरूरत नहीं माफी मत मांगना माफ़ी मांगने से अभिमान आ जाता है हम कहते हैं मेरे से गलती हो गई मैंने माफ़ी भी मांग ली अब फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूं वो माफी एक फॉर्मेलिटी होती है वो मांगने वाले को भी पता है कि मैंने फॉर्मेलिटी में मांगी है और जिससे मांगी गई है उसको भी पता है कि आपने फॉर्मेलिटी में मांगी है दिखावे के लिए मांगी है अपनी गलतियों को स्वीकार करना ये मत कहना माफ कर दो ये बोलना कि मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसा हुआ तो जैसे आप इसके ऊपर काम करते चले जाएंगे जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते चले जाएंगे आपको जीने का आनंद आएगा माइग्रेन ठीक होगा सिर का दर्द ठीक होगा तनाव ठीक होगा जो नहीं दिख रहा वो ठीक होगा करना शुरू कीजिए करने में अगर कहीं अटक जाएं आप तो आपको जैसे पहले बताया गया है शरीर के बारे में कोई भी परेशानी हो तो हर रविवार को संडे को हमारा सेंटर रोहनी में है सेक्टर तीन विश्राम चौक पे एड्रेस आपको मिल जाएगा सुबह सात बजे से दस बजे तक क्लास होती है उसके बाद सलाह दी जाती है कंसल्टेशन होती है हमारी पूरी टीम वहाँ मौजूद होती है और ये है संडे को जो काम होता है वो शरीर के लिए होता है और एक क्लास ट्यूजडे मंगलवार को होती है ग्यारह से एक उसका समय है ग्यारह से एक उस दिन मन के ऊपर होती है वहाँ पर आपको अपनी समस्या को खुल के बताना पड़ता है कहानी से काम नहीं चलता है और उस समस्या को कैसे आपने उस संबंध को सुधारना है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस क्लास के अंदर और उस ट्रेनिंग के अंदर आपके दूसरे व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि हम पंचायत नहीं कराते हैं आपके द्वारा उस तक पहुंचा जाता है दो व्यक्ति जिनका आपस में अनबन है वो दोनों हमें नहीं चाहिए अपने आप आए तो अलग बात आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं काम कीजिए आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं हाँ तुम भी दोषी हम भी दोषी तुम भी दोषी हम भी दोषी आओ एक इंसाफ करें मैंने भी तुझको माफ किया आप भी मुझको माफ करें हमने अपने रास्तों को यूं ही आसान कर लिया किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया थोड़ा जिंदगी को जीवन को इस दृष्टिकोण से जी के देखें एक ऐसा समय आएगा जब आप इस गेम को खेलेंगे खेल को जब हम खेलते हैं अब ये सात दिन का हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको आनंद आता चला जाएगा क्योंकि गेम समझ में आती है खेलने से देखने से समझ में नहीं आती है जैसे ही आप इस गेम को खेलते चले जाएंगे जैसे इस खेल को खेलते चले जाएंगे जैसे ही संबंधों को सुधारते चले जाएंगे जब वो कागज़ जो लिस्ट आपने बनाई है उसको फाड़ के फेंक दिया गया इस पूरे प्लेनेट के ऊपर पूरी धरती के ऊपर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके साथ हमारे संबंध अंदर से गड़बड़ हों केवल बाहर से अच्छे संबंध नहीं चाहिए अंदर से भी अच्छे चाहिए तो ये आपके हाथ में है ये संभव है जिस दिन ऐसा हो गया कि पूरी पृथ्वी के ऊपर एक भी व्यक्ति को आप गलत नहीं समझते हैं। और आप सभी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं उस दिन जीवन एक अलग दृष्टिकोण की तरफ जाएगा जीवन का एक नया रास्ता खुल जाएगा और स्वस्थ होना तो बात ही कुछ नहीं है ये तो एक छोटी सी बात लेकर हम चले हुए हैं कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखें आप लोग जब देवताओं के चित्र देखते हैं तो उनके पीछे एक प्रकाश होता है प्रकाश का गोला सा होता है गोल चक्कर होता है तो अगर किसी देवता को देखें मान लीजिए तो उसके पीछे वो चक्कर दिखेगा नहीं दिखेगा सहमत हैं आप चक्कर होता है लेकिन दिखेगा नहीं तो फिर वो चक्कर क्या है और उनका और उनका और है उनका दायरा है वो क्या है देखिए अगर आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं तो आपका कोई और नहीं है अगर आप केवल अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं डिप्रेशन को ठीक करने का तनाव को ठीक करने का बड़ा सुंदर तरीका अगर हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं मैं कैसे ठीक हो जाऊं तो समझ लो तनाव आ गया जैसे ही हम ये सोचना शुरू करते हैं मेरा परिवार कैसे ठीक रहे तो आपका डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है हम अक्सर देखते हैं मम्मी को कुछ रोग हैं जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है मम्मी को अपना रोग दिखाई नहीं पड़ता है बच्चे की तरफ ध्यान चला जाता है मेरा बेटा ठीक हो जाए मेरी कोई बात नहीं तो आपका रोग से ध्यान हट के परिवार में आ गया जैसे ही आप परिवार से बाहर निकलते हैं आप देखेंगे आपको जीवन में समाज में अपने अपने और को देख लीजिए उसकी कोई मशीनों के द्वारा जांच कराने की ज़रूरत नहीं मशीन झूठ बोल सकती है इसकी कुछ मशीनें भी आती हैं और नापने की आपका कितना और है वो झूठ बोल सकती हैं आप अपने और को खुद देखिए अगर आपका ध्यान अपने शरीर के अंदर है तो आपके पास आपके पास कोई पीछे प्रकाश प्रकोश नहीं है आपका अगर आपका ध्यान केवल अपने परिवार के प्रति है तो भी कुछ नहीं है फिर कुछ लोग हमें समाज में ऐसे मिलते हैं जो जो भी उनके जानकार होते हैं उनके प्रति फिक्रमंद होते हैं किसी का रोज़गार नहीं चलता उसके लिए सोचते रहते हैं ये बेचारे का कैसे काम चल सकता है किसी के बच्चों की शादी नहीं होती अपने रिश्तेदारी में जानकारी में पड़ोस में उनके बच्चों के रिश्तों के बारे में सोचते रहते हैं उसकी इसके साथ करा दूं उसकी इसके साथ करा दूं ऐसा देखते हैं हम समाज के अंदर वो व्यक्ति का थोड़ा सा और है थोड़ा वो अपने शरीर से बाहर निकला है उस व्यक्ति की टेंशन और कम हो जाती है उसको अपनी चिंता भी कम रहती है उसको परिवार की चिंता भी कम रहती है और उसको लोगों की मतलब अपने जानकारों की चिंता ज़्यादा रहती है फिर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सभी की चिंता करते हैं जिनको नहीं जानते उनको भी कोई लाभ हो जाए ऐसा विचार करते हैं जब आपका लेवल वो आ गया तो समझ लो आपका रोग तो गया ही गया क्योंकि आपको अपने बारे में तो सोचने का समय ही नहीं है अगर हम केवल इस प्रॉब्लम को लेकर आए हैं कि मैं कैसे ठीक हो जाऊं ये तो छोटी सी समस्या है आपको एक बड़ी समस्या यहाँ से मिलने वाली है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए बहुत बड़ी चोट लग जाए उसके छोटी छोटी खरोंचें भी लगती हैं तो छोटी छोटी खरोंचें उसको दिखती हैं क्या मालूम ही नहीं पड़ता वो बड़ी चोट की तरफ देखता रहता है ये चोट है बाकी तो सब ठीक ठाक है तो यहाँ से एक नई बड़ी मुसीबत मिलने वाली है पूरी दुनिया कैसे स्वस्थ रहे जब ये प्रॉब्लम बड़ी मूल ले ली जब इसकी तरफ हमारा ध्यान चला गया तो अपने को अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा और आपको तो मिलेगा ही मिलेगा आपको मिलेगा ही मिलेगा इसको दूसरे तरीके से समझें यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाता है कुछ लोगों की ये समस्या है मेरे को प्रसाद मिल गया या नहीं मिल गया और मेरे को प्रसाद जरूर मिलना चाहिए और कुछ लोगों की ये समस्या है कि सभी को प्रसाद मिल गया या नहीं मिल गया जिनकी ये समस्या है कि सभी को प्रसाद मिल गया या नहीं मिल गया क्या उनको इस बात की चिंता है कि मेरे को मिले बताइए मेरे को मिले उनको चिंता नहीं है उनको तो ये है कि सभी को मिल गया या नहीं मिल गया अपनी तो चिंता ही नहीं है क्या उनको जरूरत नहीं है जरूरत तो उनको भी है लेकिन उनको अपनी कोई परवाह नहीं है क्या उनको नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है उनको मिलेगा भी उनको मिलेगा भी ना मिलने पर भी इतनी संतुष्टि मिलेगी कि वो मिले से ज्यादा होगा क्या ये सिर्फ प्रसाद के ऊपर ही लागू होगा जरा सोचिए जरा सोचिए जरा सोचिए गहराई में सोचिए क्या जी केवल प्रसाद पे ही लागू होगा हुँ? आज केवल प्रसाद पे भी लागू होगा नहीं।, नहीं आपको क्यों सलाहकार नियुक्त किया गया है क्यों कह रहे हैं कि आपने अपने सलाहकार की चिंता करनी है क्योंकि अगर उसको नहीं मिला तो आपको नहीं मिलने वाला है जैसे प्रसाद सभी को मिलने से ही संतुष्टि मिलती है सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर आपके बराबर वाले को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला इस शिविर में आने से तो आपको नहीं मिलने वाला है हम आपको जिस दायरे में हम जीवन जी रहे हैं उससे थोड़ा बाहर निकालना चाहते हैं उसके बाद फिर आपके ऊपर एक सुहृद है आपका जो आपके लिए अच्छा सोचता है जिसका नाम ग्रुप लीडर भी हम कह देते दे थे तो उसका काम है छह व्यक्तियों के बारे में सोचना वो छह व्यक्ति अपने अपने फ़ोन नंबर लें वो भले हफ्ते में एक दिन कहीं मिलें बले फोन पे संपर्क रखें लेकिन जब तक व्यक्ति एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे कि वो कैसे ठीक हो जाए के आपस में फोन नहीं जाएंगे तो तब तक हमें नहीं मिलेगा ये पक्की बात अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः सात बजे से दस बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री पेट की पट्टी डीवीडी थ्री एनिमा स्पाइनलिक्वेंटी टू सेक्टर थ्री रोहिणी नियर विश्राम चौक दिल्ली वन वन जीरो जीरो एट फाइव हमारे फोन नंबर है जीरो डबल वन टू सेवन फाइव वन